आप देख रहे हैं बीजापुर समय, मैं आपके साथ खलील कलादगी। बीजापुर में हजरत सैयद सकाफ कादरी सादात दरगाह कब्रस्तान की सफाई। शहर बीजापुर में अखिल कर्नाटका रुद्रभूमि कब्रस्तान शमशान मशनावत संरक्षण और अभिवृद्धि सेवा समिति बीजापुर की ओर से बीजापुर के कब्रस्तान रुद्रभूमि शमशान और मशनावत क्रिश्चियंस कब्रस्तान की साफ सफाई अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत शहर के हजरत मुर्तुजा खादरी कब्रस्तान, मंगोली रोड पर स्थित रुद्रभूमि इब्राहिम रोजा कब्रस्तान, हजरत अब्दुल हमीद दरगाह के करीब स्थित क्रिश्चियन समाज कब्रस्तान और हजरत अब्दुल हमीद दरगाह कब्रस्तान की साफ सफाई का काम शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में आज अखिल कर्नाटका रुद्रभूमि कब्रस्तान शमशान मशनावत संरक्षण और अभिवृद्धि सेवा समिति बीजापुर की ओर से कांग्रेस नेता अब्दुल हमीद मुशरिफ और सामाजिक कार्यकर्ता अशफाक मनगोली के नेतृत्व में तारीखी और सूफियों के शहर बीजापुर के नौबाग रोड सकाफ रोजा में स्थित हजरत सैयद सकाफ कादरी सादात दरगाह कब्रस्तान की साफ सफाई का काम शुरू किया गया। इस मौके पर अखिल कर्नाटका रुद्रभूमि कब्रस्तान शमशान मशनावत संरक्षण और अभिवृद्धि सेवा समिति के अध्यक्ष जहूर अहमद इंडिकर, दादा पीर बख्शी, पीटर अलेक्जेंडर, सैयद मुस्तफ़ा कादरी सादात, चांद साहब गड़दलाव, सैयद नूर अहमद कादरी सादात, हबीब कड़ीवाल, सैयद नाहिद पीरा सकाफ सादात, नजीर अहमद के अलावा और भी लोग थे मौजूद। आज सकाफ सा दरगाह खादरी का दरगाह खादरी कब्रस्तान साफ कर रहे हैं। कैसा अब्दुल हमीद दरगाह हुआ, क्रिश्चन कब्रस्तान हुआ, मुर्तुजखा दरगाह हुआ, इब्राहिम रोजा हुआ, रुद्रभूमि हुआ, ऐसा जो सकाफ सा दरगाह खादरी को सकाफ सा हमारे सादा साहब और इंडिकर साहब, दादा बख्शी और हमारे चांद साहब गड़द वाले, अल्ताफ अशफाक मनगोली, ये सब भी मिला को आज यहाँ कब्रस्तान पूरा आज हो कल हो तीन दिन हो चार दिन हो पूरा साफ सफाई करते हैं। ऐसा हर एक कब्रस्तान है, ऐसा तुम्हें भी आको तुम्हारा तुम्हारे एक एक खबर पास का साफ कर ले गए तो अच्छा होता है। सब भी मिला को करे तो और जेसीपी लगाओ, कतरो तोड़ो, हमारे खबर पड़ी वो पड़ी कर को ये न को करो, आओ तुम्हें भी आको तुम्हारे तुम्हारे कौन सगे रंधे माँ बाप रंधे भाई बहन रंधे कौन भी खाला रंधे कौन उनकी खबर तुम्हें तुम्हारी खबर तुम्हें आको थोड़ा साफ सफाई कर को बचा लो। अस्सलाम वालेकुम। ये बहुत अच्छा कार्य है जो आपने शुरू किया है, इसे क्या जनता का सहयोग मिल रहा है? जनता का सहयोग सब मिल रहा है और सब भी आ रहे हैं, सब भी अपना पे क्या है उनका काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज सादात मजीद कब्रस्तान साफ करा रहे हैं, हमारे साथ हमारे जहूर इंडिकर अध्यक्ष हैं, हमीद मुशरिफ साहब, बाद में हमारे दादा पीर बख्शी सब ये कमेटी के मेंबर्स हैं, बाद में हमारे चांद गड़दले अबू सब मस्जिद के आजू बाजू घर हैं, ये भी लोग सब आए साथ दे रहे हैं। ऐसा बीजापुर में कितने भी कब्रस्तान हैं वो सब साफ करने का हमें सब कमेटी से एक थाम लें और आज सादात कब्रस्तान का साफ सफाई चालू है। इसके बाद और जो भी है दूसरा वो कब्रस्तान करते हैं, ऐसे ही जितने भी बीजापुर में कब्रस्तान हैं वो साफ सफाई का एक समिति करके हमारे रफीक इंडिकर हमारे जहूर इंडिकर अध्यक्ष हैं, अलेक्जेंडर उपाध्यक्ष हैं, दादा पीर बख्शी हमारे सब खजानसी सेक्रेटरी हैं और ऐसे सब मिलके सब एक को एक हाथ मिला के सब साथ करके कर रहे हैं सब। अशफाक मनगोली। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಂಜಾನೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಾವು ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಹಿಂದೂ ರುದ್ರಭೂಮಿ ಹಾಗೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ರುದ್ರಭೂಮಿಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ನಾವೇ ತಿರುಗಾಡಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಸಮಂಜಸವಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜೌರ್ ಇಂಡಿಕರ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರ ಮುಖಂಡರಾದ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಪೀಟರ್ ಹಾಗೂ ಮನಗೋಳಿ ಅಶಫಾಕ್ ಮನಗೋಳಿ ಹಾಗೂ ಈ ದಿನ ನಾ ಹಾಗೂ ಖ್ಯಾತನ್ನವರ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ
ನಾವು ಈ ದಿನ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಾದಾತರವರ ರುದ್ರಭೂಮಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು 50% ಕೆಲಸ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿರುತ್ತದೆ ಇದು ಈ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಓಣಿಯ ಜನರು ಬಹಳ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಂದೂ ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಸರ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಎಂಎ ಬಕ್ಷಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ವಿಜಯಪುರ ನಮಸ್ತೆ ಈ ಜೋ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಮಿಟಿ ಈ ನೌಜವಾನ್ ಮಿಲ್ಕಿ ಜೋ ಕಮಿಟಿ ಬನಾಯೆ ಹೈ ಔರ್ ಬಿಲಾ ಕಿಸಿ ಮಜ್ಹಬ ಮಿಲ್ಲತ್ ಕೆ ವೋ ಚಾಹೆ हिंदू का कब्रिस्तान हो या क्रिश्चियन का कब्रिस्तान हो या मुसलमान का हो ये बग़ैर किसी मज़हब मिल्लत के जो एक बेहतरीन काम कर रहे हैं मैं सादात कमेटी की जानिब से एज़ ए बिरादर सजादा नशीन होने के नाते आप तमाम को मैं दिली मुबारकबाद देता हूँ और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आप से और मज़ीद काम ले और ख़िदमत का उन्हें मौका दे आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सैयद मुस्तफ़ा खादरी सादात अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम ज़ोर अहमद इंडिकर अखिल कर्नाटक सेवा समिति का अध्यक्ष हूँ मैं और ये जो अवेयरनेस हम निकाले ये अवेयरनेस ऐसा है कि हर बच्चे है ना माँ बाप का कब्र को आना पाक साफ रखना अभी हमारा घर हमें कैसा जन्नत के ये घर बनाते वैसा भी अपना घर दार देख लेना और उनको आने से भी हम आने से क्या उनको भी खुशी होती है माँ बाप को अंदर कि भाई हमारे बेटे हमारे लोग आ रहे हैं बोल के खुशी होती है उसके बाद सर मेरा क्या रिक्वेस्ट है ये सभी लोग आस पास के गली वाले होंगे उन्होंने आपको हर मस्जिद से भी आपको दरूद शरीफ पढ़ते जाओ आके सुबह सुबह में दो टाइम दरूद शरीफ पढ़ो तो बच्चे मदरसों में बोलो मदरसे में बच्चे लेकर किया अवेयरनेस करो कि कब्रिस्तान के दरूद शरीफ पढ़ने का असर बोलते जाओ और मेरा ये कहना है कि सब कब्रिस्तान को आना दरूद शरीफ पढ़ना और हमारा और एक मैं कर रहा हूँ सर कहकर तो अब लेडीज़ कब्रिस्तान को नहीं आ सकते तो इसके सर हम क्या कब्रिस्तान के बाहर एक शेड बना रहा हूँ शेड के अंदर आको अंदर के वजू खाना उनका तारत खाना और दो सफ़े डाल के उन्हों अंदर नमाज भी पढ़ सकते हैं उनके असर दरूद शरीफ भी पढ़ सकते हैं सर उसके असर वो अवेयरनेस में लेकर आ रहा हूँ मैं आओ बच्चे आना माँ बाप आना बैका भी आपको कब्रिस्तान के बाहर वो अंदर एक रूम के अंदर बना को दे रहा हूँ मैं उसके बाद स्टार्ट करिए जो हम ये जो भी कर रहे हैं हमारे सब समिति है ये समिति से हम काम कर रहे हैं अब मेरा रिक्वेस्ट है कि सब जने वैसे तक कब्रिस्तान आने की कोशिश करो बीजापुर शहर में किन किन जगहों पर सफाई अभियान पूरा हो चुका है सर अभी फर्स्ट जो है मुर्तज कादरी हुआ सर उसके बाद रुद्रभूमि हुआ थर्ड वन इब्राहिम रोजा हुआ सर फोर्थ अली रोजा हुआ बाद में क्रिश्चियन कंपाउंड का हुआ सर अभी छठा जो चल रहा है इधर पे हमारे सादात साहब मस्जिद के इसका सादात मस्जिद में चल रहा है सर जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।